Now they say that put a soap like this. Hey everyone, welcome or welcome back. I hope you all are doing well. Today I have two new launch product review for you. These are by Garnier. One I have their micellar cleansing water with vitamin C and micellar reusable eco pads. I have been using these and I'm ready with my experience. If you're interested, then please keep on watching. Firstly, let's talk about this micellar water with vitamin C. Now, इससे पहले मैंने इनका pink bottle वाला and जो oil infused वाला है, मैंने वो दोनों variant try करे हैं. So I thought कि let's try this one out. I'm not very very happy with their oil infused वाला because you guys know I prefer these micellar water for just to remove my sunscreen or daily basis. में मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ इनको, बट फॉर हैवी ड्यूटी मेकअप, लाइक जब मैंने मेकअप अप्लाई किया होता है, फॉर मस्कारा, फॉर फाउंडेशन, फॉर लिक्विड लिपस्टिक, आई डोंट प्रेफर माइसेलर वाटर बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि दे जस्ट मेक माई स्किन वेरी वेरी सेंसिटिव. सो दैट्स वाई मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज बार बार घिसना पड़ता है, निकलता नहीं है. So I prefer a cleansing balm or a cleansing oil for makeup, but for the sunscreen and for daily usage, इस तरह के micellar waters they come very very handy. Now this one is for a dull and sensitive skin. They say it remove makeup, ये आपके face को clean करेगा and brighten up करेगा. And एक और चीज़ उन्होंने लिखी है which is it's a no rinse off. Like आपको इसको use करने के बाद you don't have to wash your face. So then they say it's for face, eyes and lips. और ये dermatologically and ophthalmologically tested. ये 125 ml का प्रोडक्ट है और ये 60 uses तक आपको काम आएगा depending on how much product you use. Now ingredient list भी बहुत छोटी सी है, बहुत सिंपल सी ingredient list है. कोई fragrance नहीं है, it's a fragrance free product and texture almost जो इनका pink वाली bottle है वैसा ही है. और जब मैंने इसको use किया तो जैसा मुझे pink वाली bottle use करके feel होता है वही मुझे इसके साथ फील हुआ. बट द ओनली डिफरेंस विच आई कैन फील इज कि जो पिंक वाली बॉटल वाला है ना, पिंक माइसेलर वाटर है, उसमें क्या है ना कि जब आप उसको आईज़ के आसपास चलाते हो उसको, और अगर बाई चांस आईज़ में चला जाए तो आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा स्टिंक करती हैं अगर वो चला गया, अगर आपने यूज़ किया है, यू नो व्हाट आई मीन टू से. बट दैट्स नॉट द केस विद दिस वन. लाइक जितना टाइम मैंने 3-4 बार इसको यूज़ किया है, मुझे बिल्कुल भी आईज में स्टिंग नहीं करा, विच इज़ लाइक बेस्ट पार्ट. लाइक इफ़ यू आर अ पर्सन हु हैज़ सेंसिटिव आईज लाइक मी, तो आई थिंक आपको ये अच्छा लगेगा, आपकी आईज में स्टिंग नहीं करेगा. बट मैंने इसको देखो मेकअप के लिए मैंने नहीं किया और मैं करूँगी भी नहीं. सनस्क्रीन जब मैंने उसके साथ रिमूव करी थी यूजिंग इट ऑन माई अर्थ रिदम वाला क्लेंजिंग पैड, उस पर जैसे मैं यूजली अपना इसको पोर करके लगाती हूँ, तो जब मैंने इसको यूज़ किया उसके बाद व्हेन आई स्प्लैश वाटर, तो वही फील जो मुझे पिंक वाली बॉटल लगा के फील होता है कि उसके बाद मुझे लगता है कि यार क्लीन तो हुआ ही नहीं. और मुझे लगता है कि इसके बाद मुझे एक और क्लेंज़र, लाइक ऑफ कोर्स जो सेकंड क्लेंज़र है वो मुझे लगाना ही पड़ता है, और वही केस इसके साथ भी है, मुझे लगाना ही पड़ा. लाइक मुझे मतलब ऐसे सेटिस्फेक्शन वाला फील नहीं आया कि हाँ मेरा फेस क्लीन हुआ है एंड आई एम रेडी टू पुट स्किन केयर ऑन माई फेस. एंड सो ये वाला क्लेम तो मैं नहीं मानूंगी कि हाँ इट्स अ नॉन रिंस ऑफ, लाइक हाँ इसको आपको रिंस ऑफ नहीं करना है, तो ये तो नहीं, बिकॉज मुझे पर्सनली नहीं क्लीन फील होता है. मुझे नीड फील होती है सेकेंड क्लेंजर की भी आफ्टर यूजिंग दिस एंड इवन द पिंक वन. बस पिंक वाले में और इसमें ये डिफरेंस मैं बोल सकती हूँ कि ये आईज में स्टिंग नहीं करता है, वो आईज में स्टिंग करता है. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस आई फील. उससे ज़्यादा मुझे कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ है, दोनों ही ठीक है. सेकेंड वी हैव दिस गार्नियर रीयूजेबल ईको पैड्स. नाउ ये 3 पैड्स का सेट है, इसमें 3 इस तरह के ये पैड्स आपको मिलते हैं. नाउ इंस्ट्रक्शंस यूसेज की इन्होंने यही लिखी है कि आपको इनको वेट करना है विद गार्नियर माइसेलर वाटर टू रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ मेकअप एंड इट क्लीन्स द स्किन. और ये कहते हैं कि आपको रब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसको स्किन पे रखना है एंड देन स्वाइप करना है तो निकल जाएगा. दैट्स हाउ दिस पैड लुक्स लाइक. इट्स पिंक फ्रॉम वन साइड, वाइट फ्रॉम अदर साइड. आई हैव द फाउंडेशन ऑन, लिक्विड लिपस्टिक, दिस waterproof mascara on. I'm gonna take this micellar water on this. Let's take this on the white side and I'm gonna pour it on my
this pad. Now let's just put it like this. Let's see on the one side. Nikla hai, but as you can see, pura nahi nikla, right? As you can see, nikla to hai, theek hai? But you cannot say ki haan, aapko just Let's try the mascara. I'm gonna put it like this. You see, निकल तो रहा है, यही चीज मैं कहती हूँ कि निकाल तो ये देंगे, but you know, अभी भी वो कितना सारा mascara मेरी eyes पे लगा हुआ है. तो देखो, base makeup तो ये आराम से निकाल देगा, right? ये देखो, बेस मेकअप ये निकाल देगा. अभी मैं इसको क्लीन कर दिखाऊंगी आपको, क्लीन होता है कि नहीं. ठीक है, सारा निकाल दिया, बट ये नहीं निकला अच्छे से. नाउ आई हैव टू डू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तब निकलेगा, बट स्टिल पूरा नहीं निकला. नाउ सेम ये तो निकलेगा ही नहीं, बिकॉज मैं कितनी भी इसको कोशिश कर लूँ, इससे मेरी आईज ही खराब होगी और कुछ नहीं होगा. सो ये हालात हैं. ठीक है, अब इसको वॉश करके देखते हैं. सो ये है हमारा सिंक. लेट अस ट्राई टू वॉश इट. नाउ दे से दैट पुट अ सोप लाइक दिस, right? So there you see, यहाँ पे lipstick का stain रह गया है, इस side भी थोड़ा बहुत ही black सा stain रह गया है, properly पूरा clean नहीं हुआ है. इसको आई थिंक 3-4 बार धोना पड़ेगा तब ये निकलेगा. यानी देखो कितना सा हो जाता है ये. नाउ दैट व्हाट आई वाज सेइंग कि इंस्टेड ऑफ दिस सी, नाउ ये कितना छोटा है एज कम्पेयर टू इसके, एंड इसमें प्रॉपर होल्ड है, आप इसको पकड़ सकते हो. ये थोड़ा सा ऐसे ही है. सो ज़्यादा ऐसे बोलूँ कि हाँ हाँ, आई कैन से वन थिंग कि हाँ, क्या ये वाले क्लेंजिंग पैड जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लेंजिंग पैड हैं जो मैं अर्थ रिदम के यूज़ करती हूँ, क्या ये उसको रिप्लेस कर पाएंगे? तो आई वुड से नो, आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद दीज. लाइक मुझे ये उतने ज़्यादा कुछ खास नहीं लगे हैं, बिकॉज आई वॉन्ट माई क्लेंजिंग पैड टू हैव दैट यू नो सम बॉडी, सो दैट आई कैन यू नो होल्ड इट टाइट ऑन माई हैंड. तो ये उतने ज़्यादा मुझे लाइक ठीक नहीं लगे, बट ओके ओके हैं. लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर दीज यू कैन. बहुत ही सॉफ्ट कुशन टाइप लगते हैं. लाइक ये पता कैसे हैं, जैसे वो पहले कॉम्पैक्ट नहीं आते थे जिनमें ब्रश होता है, वो स्पॉन्ज लगी होती है, उसको ऐसे करो और उसके बाद ऐसे 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 करो. तो ये मुझे वो वाले लगते हैं. लाइक क्लेंजिंग पैड मुझे कम लगते हैं, बट वो पाउडर पफ वाले मुझे ज़्यादा लगते हैं. बट ओवरऑल दे आर फाइन. लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर दीज यू कैन, बट नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आई वुड से. So yeah guys, this was my experience on these. They might have worked better for you, but that was just my experience. So don't bash me in the comment section. So I hope you found my experience on these two products little bit helpful. Thodi si bhi help hui hai, then give this one a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.